बड़ी खबर आपको बता दें जो कि भारत के गौरव से जुड़ी हुई है, पेरिस ओलंपिक से। दरअसल ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल में मनु भाकर पहुंच गई है और आज दोपहर 3:30 बजे फाइनल मुकाबला होगा, जहां पर शूटर मनु भाकर पर पूरे भारत की नजर होगी और वो मेडल पर निशाना लगाने की पूरी कोशिश करेंगी। सटीक निशाना लगाते हुए अब निशाना सीधे सीधे मेडल पर है। फाइनल में पहुंच गई है, गौरवान्वित हर भारतीय महसूस कर रहा है। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल में मनु पहुंची हैं, खाता खोलने जा रही हैं भारत के लिए। आज दोपहर 3:30 बजे फाइनल का मुकाबला होगा। इसी के साथ में आपको बता दें, क्वालिफिकेशन इवेंट में 600 में से 580 पॉइंट हासिल उन्होंने किए और 45 शूटर में तीसरे स्थान पर रही है मनु भाकर। तो ओलंपिक्स में मनु भाकर का प्रदर्शन कैसा रहा, कैसा उनका सफर रहा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। शूटर मनु भाकर पेरिस ओलंपिक्स में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। मनु भाकर ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के क्वालिफिकेशन में तीसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई। आत्मविश्वास से भरी मनु ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए ओलंपिक खेलों में भारत के अन्य निशानेबाजों की खराब शुरुआत को पीछे छोड़कर देशवासियों के मन में पदक की आस को जगा दिया है। मनु भाकर का फाइनल मुकाबला आज दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। 22 साल की मनु भाकर ने क्वालिफिकेशन में 580 का स्कोर करके तीसरा स्थान हासिल किया, जिसमें हंगरी की निशानेबाज वेरोनिका मेजर ने 582 के स्कोर के साथ शीर्ष पर रही। इस स्पर्धा में चुनौती पेश कर रही रिदम सांगवान 573 के स्कोर के साथ 15वें स्थान पर रही। मनु भारत के लिए पदक का खाता खोल सकती है। फाइनल में 8 शूटर्स के बीच 3 पदक, स्वर्ण, रजत और कांस्य के लिए मुकाबला होगा।